आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप केरला घूमना आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। फ्रेंड्स, आज मैं ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, किस तरीके से आप महाराष्ट्र से केरला तक की जर्नी कर सकते हैं, किस तरह से ट्रैवलिंग होती है, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, कौन कौन से प्लेसेस है केरला में घूमने के लिए उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम हमारे महाराष्ट्र के घर से हमारे केरला के घर जा रहे हैं, तो जाते टाइम की जर्नी भी दिखाएंगे और सभी इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। तो देखिए, हम यहाँ से जा रहे, जाते टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, यही रहने का मन करता है क्योंकि यहाँ हमारा बहुत अच्छा टाइम बीतता है, सभी रिलेटिव्स, घर वाले, सभी लोग हमारे यही रहते हैं। सो जाते टाइम बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स, तो जाना तो पड़ेगा ही। सो आँख भर कर सब देख लेते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, केरला से महाराष्ट्र आते हैं और एक दो महीने के बाद हम आते रहते हैं। तो जब हम महाराष्ट्र से केरला जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, बट केरला से महाराष्ट्र आते टाइम बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कब जाके हमारे महाराष्ट्र में हम पहुंचेंगे। सो चलिए चलते हैं। रास्ते में हम सब लोग बड़ी धमाल करते हैं क्योंकि हम सब लोग ट्रैवलिंग करते टाइम बड़ी धमाल करते हैं, उससे क्या होता है कि रास्ता जल्दी से कट भी हो जाता है। और यहाँ हम रुके हैं एक जगह पर नाश्ता करने के लिए, उसके बाद हम चल पड़े। सो आप कभी भी महाराष्ट्र टू केरला आना चाहते हैं तो क्या करें, जो लोग ड्राइविंग करने वाले हैं उनकी नींद अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। पहले अच्छे से नींद लीजिए अगले दिन और बाद में ही आप जर्नी स्टार्ट करिए। कभी कभार क्या होता है कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ी सी भी आग लग गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसीलिए नींद पूरी होनी चाहिए। तो अभी हम अटपाड़ी से कोच्चि तक जा रहे हैं। जिन लोगों को पता नहीं अटपाड़ी, सांगली ज़िले में अटपाड़ी आती है, तो वहाँ से हम अभी कोच्चि तक जा रहे हैं। तो वहाँ से कोच्चि तक जाने के लिए 1300 किलोमीटर दूर है, हमारा घर भी वही नज़दीक ही है। तो हमेशा हम केरला टू महाराष्ट्र आते रहते हैं इसीलिए बहुत कुछ केरला के बारे में भी पता है, ट्रैवलिंग के बारे में भी पता है। तो देखिए, हम यहाँ रुके हैं एक जगह पर बूटा खाने के लिए। बारिश का मौसम है तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही है, रिमझिम बारिश में बूटा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप जब महाराष्ट्र टू केरला की जर्नी कर रहे हैं उस टाइम एक जगह पर स्टे ज़रूर करिए। तो अभी हम 21 आवर्स में वहाँ पहुँच सकते हैं, बट हम एक जगह पर स्टे करने वाले हैं और फिर सुबह होने के बाद ही जाने वाले हैं। तो आप इधर उधर का व्यू देखते हुए केरला इजीली जा सकते हैं, बढ़िया व्यू दिखाई देता है, आंखों को ऐसा लगता है देखते ही रहो, बड़ा प्रसन्न लगता है। सो देखिए, अभी दोपहर का टाइम हो चुका है तो हम अभी करेंगे लंच, बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ हम सब ने अपने मनपसंद का खाना ऑर्डर किया है, तो स्पेशली देखिए हमने यहाँ मसाला डोसा, पूरी और इडली को ऑर्डर किया है। फटाफट से खा लेते हैं और बाद में जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो खाने के बाद यहाँ नज़दीक एक शॉप था, बढ़िया तरीके की पर्स दिखाई दी, तो सोचा क्यों ना हम एक यहाँ से खरीद ले, क्योंकि मुझे टाइप की पर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो अलग अलग तरीके के पर्स डेफिनेटली लेती हूँ। इसकी प्राइस सुनकर मैं दंग रह चुकी थी क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, करीब 2000 रुपीज़ उन्होंने बताया। अगर आप कार से महाराष्ट्र टू केरला की जर्नी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो आप पुणे से, नहीं तो मुंबई से डायरेक्ट कोच्चि तक आ सकते हैं, नहीं तो आप तिरुवनंतपुरम भी आ सकते हैं। बट आप कोच्चि आएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा घूमने के लिए, बहुत नज़दीक नज़दीक सभी पॉइंट हैं। तो देखिए, हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, तो अभी हम यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए, अच्छे से गाड़ी को वॉश करेंगे और बाद में ही लेकर जाएंगे। तो मेरे पति जी स्पेशली गाड़ी की बड़ी केयर करते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, लेकिन कोच्चि ही जरूर आइए, वहाँ से ही आप कहीं भी घूमना जा सकते हैं। तो कोच्चि में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, आपको दो दिन भी इनफ नहीं हो जाएंगे। सो देखिए, अभी डिनर करने के लिए हम यहाँ रुके हैं, तो डिनर करने के बाद यही हम ठहरने वाले हैं और कल सुबह ही हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। सो मैं उसका वीडियो आगे आपको दिखा ही दूंगी। अगर आप कोच्चि जाते टाइम एक जगह पर स्टे लेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, आप अपने पसंद से कहीं भी स्टे ले सकते हैं, आपको जहाँ बेटर लगे वहाँ, बेंगलोर में ले सकते हैं, हुबली में ले सकते हैं। सो देखिए, अभी हम हुबली में स्टे करने वाले हैं। सो फटाफट से कर लेते हैं पेट पूजा और बाद में ही कल सुबह देखेंगे।
सो देखिए अभी सुबह हो चुकी है और बहुत तेज बारिश शुरू हुई है। कोची में आप रुकेंगे तो वहाँ आप पोर्ट कोची देख सकते हैं। कोची में अलग अलग तरीके के बीच हैं, वो भी देख सकते हैं। अदिरापल्ली फॉल्स बहुत बड़ा है, वहाँ बाहुबली की शूटिंग हुई थी, आपको पता ही होगा। सो वो भी पॉइंट आप देख सकते हैं। वही नज़दीकी सभी पॉइंट है, हैंगिंग ब्रिज आप देख सकते हैं, बटरफ्लाई वाटरफॉल भी आप देख सकते हैं, बहुत कुछ है देखने के लिए। म्यूज़ियम है अलग अलग टाइप के, आप ऐसे ही घूमेंगे तो भी आपको कोची बहुत ही बढ़िया लगेगा, आप वहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम कोची पहुँच चुके हैं, ये है कोची का सबसे बड़ा लुलू मॉल। तो इसका भी वीडियो मैं एक बार ज़रूर अपलोड करूँगी, अगर आप कोची आएंगे तो ज़रूर इसे देख लेना, बहुत ही बढ़िया है। और आप जब केरला में एंट्री करते हैं तो आपके समझ में आएगा कि यहाँ बहुत ही साफ़ सुथरा सभी दिखाई देगा, रास्ते भी और घर भी बहुत ही प्यारे प्यारे यूनिक घर आपको दिखाई देंगे। यहाँ के टेम्पल बहुत ही बढ़िया हैं और यहाँ का क्लाइमेट स्पेशली बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप घूमना आना चाहते हैं तो सितंबर टू मार्च तक आ सकते हैं, उस टाइम बारिश नहीं होती और मौसम भी अच्छा रहता है। तो कोची रुकने के बाद वहाँ से आप जा सकते हैं मुन्नार, मुन्नार से आप फिर टेकड़ी आ सकते हैं, वहाँ से आप अल्पी आ सकते हैं। सो इस तरीके से आप घूम सकते हैं। तो देखिए अभी हम हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में रुके हैं, यहाँ से खाना खा के ही हम हमारे घर जाने वाले हैं। तो ये रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस है और बढ़िया खाना यहाँ मिलता है, फ्रेश खाना वो बनवा के देते हैं। तो इससे पहले भी आपने मेरे वीडियो में इस रेस्टोरेंट को देखा ही होगा फ्रेंड्स। केरला का खाना बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, आप सबको बहुत पसंद आएगा। यहाँ फ़िश अलग अलग टाइप के आपको मिल सकते हैं, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो अलग अलग टाइप की आपको सब्जियाँ मिलेंगी। यहाँ कि जो स्पेशल ऊन रहता है उसके साथ ढेर सारी करीज आती हैं, तो उसका भी आनंद आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ एक फ़िश लिया है और उसे रोस्ट करने के लिए दिया है। सो चलिए अभी वेट करते हैं खाने का। तो कोची आने के बाद वहाँ से आप अदिरापल्ली वाटरफॉल ज़रूर देखिए, वहाँ बहुत ऊपर से पानी गिरता है, बहुत फेमस है वो जगह, आपने बाहुबली पिक्चर में देखा ही होगा। सब कुछ कोची देखने के बाद आप मुन्नार जाइए, वहाँ आपको बहुत सारे जाते टाइम वहाँ वाटरफॉल भी दिखाई देंगे। तो यहाँ हमने लिया है फिश रोस्ट, चिकन बिरयानी और परोठा, केरला फेमस परोठा, लास्ट में हमने लाइम जूस भी पिया। तो पेट पूजा होने के बाद हम चल पड़े हमारे घर की ओर। तो फ्रेंड्स आप जब मुन्नार जाएंगे तो रास्ते का व्यू देख के ही आपका मन भर जाएगा, इतना बढ़िया व्यू है। और ऊपर जाना पड़ता है, मुन्नार बहुत ऊपर है। मुन्नार में आपको स्पेशली रोज़ गार्डन दिखाई देगा, इको पॉइंट है, स्पाइस गार्डन है, टी म्यूज़ियम भी है वहाँ, और एक बढ़िया सा पार्क है, एडवेंचर पार्क, वो भी आप देख सकते हैं। अलग अलग टाइप के डैम भी आपको दिखाई देंगे। तो आप मुन्नार में 2-3 दिन डेफिनेटली रह सकते हैं। उसके बाद आप टेकड़ी आइए, टेकड़ी में बहुत बड़ा घना जंगल है, उसके बीच में से हम बोटिंग कर सकते हैं और इधर उधर के जो जानवर दिखाई देंगे उसका भी मज़ा आप ले सकते हैं। तो टेकड़ी घूमने के बाद आप अल्पी आइए, अल्पी बैकवाटर के लिए बहुत फेमस जगह है, वहाँ आप हाउस बोटिंग कर सकते हैं। तो वहाँ जाने के बाद आप अपने बजट के हिसाब से एसी या नॉन एसी रूम भी ले सकते हैं। आपको हाउस बोटिंग में बैठने के बाद ऐसा लगेगा कि हम जो घूमने आए थे वो सार्थक हो गया, इतना बढ़िया लगता है वहाँ जाने के बाद। तो केरला में अभी बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू है फ्रेंड्स। तो अभी 4-5 दिनों पहले ही हम महाराष्ट्र से केरला आए हैं। तो पहले हम जाएंगे बेटी को लेने के लिए, तो उसे हम उसके काका के घर छोड़ आए हैं। तो अभी हम चलते हैं उनके घर, उनका भी घर आपको दिखाते हैं। तो हम बेटी को लेकर नहीं गए थे महाराष्ट्र में क्योंकि उसकी एग्ज़ाम चल रही थी, इसलिए उसको काका और मौसी के घर में छोड़ के गए थे। तो देखिए अभी बेटी भी आ चुकी है, उसका बोरिया बिस्तर बांध कर बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे कपड़े लेकर वो आई थी। उसे स्पेशली काका और मौसी के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, हमेशा वो मौका ढूंढती रहती है कि कब जाके मैं यहाँ आकर रहूँ। हाय सोडली, तेरी मेरी करने वाले होगा। तो अभी टाटा बाय बाय हो चुका है, तो अभी हम चलते हैं हमारे घर की तरफ। तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है हमारा घर। तो रास्ते का बहुत बड़ा वीडियो मैं नहीं निकालने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए अभी हम आए हैं चर्च के सामने, इसी के सामने है हमारा शॉप, यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और बाद में ही चल पड़ेंगे घर की ओर। अल्पी में हाउस बोटिंग है, बीच है, उसी को देखकर आप फिर तिरुवनंतपुरम आ सकते हैं। वहाँ बहुत ही बड़ा और बढ़िया फेमस
पद्मनाभ टेम्पल भी दिखाई देगा और वहाँ बीच भी है। तो देखिए अभी हम आए हमारे घर, तो ये है हमारा प्यारा सा क्यूट सा केरला का घर। अभी चलते हैं घर के अंदर। तो आपने इससे पहले हाउस टूर का वीडियो देखा ही होगा। तो यहाँ आने के बाद बड़ा सुकून सा मिलता है, फाइनली हम महाराष्ट्र से केरला पहुँच ही गए। तो यहाँ आने के पहले मैं देखती हूँ मेरे सभी जो पौधे हैं, प्लांट्स मैंने जो लगाए उनको, क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ध्यान से उन्हें पहले देखती हूँ और बाद में ही घर के अंदर जाती हूँ। तो फ्रेंड्स सभी पति जी भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इतनी दूर से वो गाड़ी चला कर आए हैं। मेरी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको केरला के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली मैं एक वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो मेरे चैनल पर मोस्टली आपको केरला रेसिपीज़ और महाराष्ट्र रेसिपीज़ और केरला के टूरिस्ट पॉइंट भी आपको दिखाए देंगे। केरला के बहुत सारे टूर के वीडियोज़ भी मैंने अपलोड किए हैं। एक्चुअली मुझे महाराष्ट्र से केरला गाड़ी से आना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कहीं हम रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक्चुअली मैं शॉपिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मुझे कुछ भी दिखाई दिया तो लेने का बड़ा मन करता है। अगर केरला आने के बाद आपको शॉपिंग करनी है तो आप कोच्ची में ज़रूर शॉपिंग करके जाइए, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके के कलेक्शंस मिलेंगे वहाँ। और स्पेशली जो केरला की साड़ी है, केरला साड़ी, वो ज़रूर लेकर जाइए, बहुत ही स्पेशल और फेमस है केरला की साड़ी। यहाँ से जाते टाइम आप ढेर सारे मसाला भी लेकर जा सकते हैं, यहाँ मसाले बहुत ही सस्ते में मिलते हैं और फ्रेश वाले बढ़िया क्वालिटी के मसाले आपको यहाँ मिलेंगे। तो देखिए हम महाराष्ट्र से ढेर सारा सामान लेकर आए हैं, और भी बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, उसके बारे में हम फिर कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।